दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम की बल्लेबाजी से खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले घमासान मुकाबले में भारतीय टीम के बल्लेबाजों के बाद भारतीय टीम के गेंदबाजों ने विरोधी टीम के खेमे में किस तरह से आग लगाई और वहीं किस तरह मुकाबले में लगभग भारतीय टीम ने जीत पक्की करी और क्या है मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट, जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि शिखर धवन और श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल और ऋषभ पंत में कौन है बेहतर बल्लेबाज, इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इंग्लैंड के बाद अब वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज पता करने के लिए भारतीय टीम शिखर धवन की अगुवाई में वनडे सीरीज खेल रही है वेस्टइंडीज में, जहां पहला मुकाबला पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां सबसे पहले भारतीय टीम के कप्तान शिखर धवन टॉस हार गए और भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी, जहां भारत की तरफ से ओपनिंग करने के लिए रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में कप्तान शिखर धवन शुभमन गिल के साथ मैदान पर आए और दोनों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को आगे बढ़ाने का कार्य किया, जिसमें शिखर धवन ने पहले ही ओवर में लगातार दो चौके जड़कर अपना और अपनी टीम का खाता खोला, तो वहीं गिल ने पहली गेंद पर चौके के साथ अपना खाता खोला, तो वहीं रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में मिले मौके को भुनाते हुए शुभमन गिल ने अपने वनडे करियर का पहला अर्धशतक जड़ दिया और उन्होंने 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक रन लेकर अर्धशतक लगा दिया और टीम इंडिया ने इसके बाद 14वें ओवर में अपने 100 रन पूरे कर लिए, तो वहीं शुभमन गिल के रूप में भारत को पहला झटका 18वें ओवर की चौथी गेंद पर लगा और गिल 64 रन बनाकर आउट हो गए और निकोलस पूरन ने शानदार थ्रो से उन्हें रन आउट कर दिया और गिल ने लेग साइड की ओर गेंद को पुश करके एक रन के लिए धवन को बुलाया और धवन तो दूसरे छोर पर पहुंच गए लेकिन गिल पहुंच नहीं पाए और वो बहुत ही धीमी गति से दौड़ रहे थे और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। वहीं टीम इंडिया का स्कोर 18वें ओवर तक एक विकेट के नुकसान पर 120 रन था, जिसमें धवन 51 रन बनाकर नाबाद थे और गिल के बाद श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे और शिखर धवन के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे, तो वहीं भारत को दूसरा झटका 34वें ओवर में लगा, जिसमें कप्तान शिखर धवन 97 रन बनाकर नर्वस 90 का शिकार हो गए और गुड़ाकेश मोदी की गेंद को पॉइंट बाउंड्री से बाहर भेजने के प्रयास में धवन पवेलियन लौट गए और पॉइंट पर शामराह ब्रूक्स ने डाइव लगाकर शानदार कैच लिया और धवन ने 99 गेंदों की पारी में 10 चौके और 3 छक्के लगाए। उन्होंने पहले शुभमन गिल के साथ शतकीय साझेदारी की, फिर श्रेयस अय्यर के साथ दूसरे विकेट के लिए 94 रन जोड़े, तो वहीं धवन ने पिछला वनडे शतक 2019 में ऑस्ट्रेलिया में लगाया था, तो वहीं श्रेयस अय्यर ने अपना अर्धशतक शिखर धवन के आउट होने के बाद पूरा किया। हालांकि वो लंबी पारी नहीं खेल पाए और 54 रन बनाकर अय्यर पवेलियन लौट गए और मोटी की गेंद को वो एक एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर से मारना चाहते थे लेकिन विंडीज के कप्तान निकोलस पूरन ने उछलते हुए एक हाथ से बेहतरीन कैच लपक लिया और अय्यर ने 57 गेंदों की पारी में 5 चौके और 2 छक्के लगाए, तो वहीं श्रेयस अय्यर ने आउट होने के कुछ समय बाद सूर्य कुमार यादव भी आउट हो गए और तेजी से रन बनाने के लिए प्रसिद्ध सूर्य कुमार यादव इस मैच में 14 गेंदों पर 13 रन ही बना सके और उन्होंने 2 चौके लगाए और अकील हुसैन ने 39वें ओवर में उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया और सूर्य कुमार के बाद भारत को एक और झटका उसी ओवर में लगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि वो अकील हुसैन की गेंद को दीपक हुड्डा ने लेग साइड में स्वीप कर दिया लेकिन मोदी उस कैच को नहीं ले पाए और भारतीय पारी धीरे धीरे पटरी से उतरने लगी और 8 ओवर के अंदर ही टीम इंडिया को तीसरा झटका लगा और संजू सैमसन 43वें ओवर में LBW आउट हो गए, तो वहीं रोमारिया शेफर्ड की गेंद लेग स्टंप पर थी और संजू उसे लेग साइड में खेलना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले से नहीं लगी और पैड पर गेंद लगने के बाद रोमारिया ने जोरदार अपील की और अंपायर ने सैमसन को आउट दे दिया और सैमसन ने 18 गेंद पर एक छक्के की मदद से 12 रन बनाए, तो वहीं अक्षर पटेल 21 गेंद पर एक चौके की मदद से एक छक्के की सहायता से 21 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड हो गए, तो वहीं दूसरी तरफ दीपक हुड्डा भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 32 गेंदों पर एक चौके और एक छक्के की मदद से 27 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड हो गए और भारतीय टीम 50 ओवर में 308 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना पाई, जिसमें अलजारी जोसेफ और मोटी ने 2-2 विकेट तो वहीं अकील हुसैन ने 1-1 विकेट हासिल किया, जिसके बाद वेस्टइंडीज की टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई तो वेस्टइंडीज की तरफ से पारी की शुरुआत करने कायल मेयर्स और साई होप मैदान पर आए और दोनों बल्लेबाजों ने वेस्टइंडीज को शानदार शुरुआत दी लेकिन मोहम्मद सिराज ने 5वें ओवर में पहले साई होप के हाथों चौका खाया और इसके बाद 18 गेंदों पर एक चौके की मदद से 7 रन बनाने के बाद शार्दुल ठाकुर के हाथों कैच आउट करा दिए गए।
इसके बाद बल्लेबाजी करने समारोह ब्रुक्स आए तो दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे कायल मेयर ने खतरनाक प्रदर्शन करते हुए अक्षर पटेल को उनके पहले ही ओवर में पावर प्ले के तुरंत बाद 3 गेंदों पर 3 चौके जड़ दिए। तो वहीं 16 ओवर में आपको बता दें कि कायल मेयर ने 42 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। तो वहीं दोनों ही बल्लेबाजों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी और दोनों बल्लेबाजों के बीच में शतक ही साझेदारी देखने को मिली। लेकिन इस बीच खिलाड़ियों ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया और भारतीय टीम के गेंदबाजों के ऊपर ताबड़तोड़ प्रदर्शन करना प्रारंभ किया। लेकिन इसी बीच 24वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने समारोह ब्रुक्स को अर्धशतक लगाने से रोक लिया और 61 गेंदों पर 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 46 रन बनाने के बाद छक्का लगाने के चक्कर में श्रेयस अय्यर के हाथों में कैच थमा बैठे, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ब्रैंडन किंग मैदान पर आए और 24 ओवर तक वेस्टइंडीज ने 134 रन 2 विकेट के नुकसान पर बनाए और यहां से लगने लगा कि भारतीय टीम इस मुकाबले को आराम से जीत जाएगी। दोस्तों, भारतीय टीम की बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।